ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन पैटर्न। तो रेडिएशन पैटर्न के डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, इट इज़ द ट्रेस ऑफ फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ द फंक्शन ऑफ डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट। रिकॉल की डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स क्या थे, थीटा और फाई। थीटा कहाँ से मेज़र कर रहे थे, जेड एक्सिस से, और फाई कहाँ से मेज़र करते हैं, एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि रेडिएशन पैटर्न इज मेजर्ड इन द फार फील्ड रीजन, एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फार फील्ड रीजन, दैट इज़ 2d² / λ, इससे ज़्यादा रेडियस होना चाहिए। डी क्या था, लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ द एंटीना, एंड लेमडा क्या था, ऑपरेटिंग वेवलेंथ था। तो चलिए थोड़ा सा कुछ और भी रिकॉल करते हैं। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो आप ये देखिए, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बना प्लेन क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बना प्लेन वाई जेड प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बना प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा। एक्स एक्सिस से एंगल जो मेज़र करते हैं वो फाई एंगल है। तो एक्स एक्सिस पे फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और यहाँ पर कितनी होगी फाई की वैल्यू, देखिए यहाँ से चला कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो आप देखिए कि एक्स जेड प्लेन की बात करते हैं, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स जेड प्लेन पे फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि एक्स जेड प्लेन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे ही है, और एक्स एक्सिस पे फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। अच्छा, क्या एक्स जेड प्लेन पे मैं थीटा वेरी करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकता हूँ। तो मतलब इसमें थीटा क्या होगा, वेरिएबल होगा, और फाई क्या होगा, फाई की वैल्यू 0 होगी। इस एक्सिस पे देखिए फाई की वैल्यू, इस प्लेन पे देखिए, यहाँ पर इस प्लेन पे पहुँचने के लिए फाई कितना चलना पड़ा, 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या मैं थीटा वेरी करा सकता हूँ वाई जेड प्लेन पे, बिल्कुल वेरी करा सकता हूँ। तो मतलब क्या समझ में आया, इसमें थीटा वेरिएबल होगा और फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब आ जाइए एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन पे पहुंचना तो थीटा कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो बताइए इसमें क्या वेरिएबल होगा, ये देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, फाई कितना वेरी कर सकता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 360 डिग्री, मतलब इस प्लेन पे फाई क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ पोलर प्लॉट, हालांकि इससे सभी लोग अवेयर होते हैं, इसको समझते हैं पहले। तो आपने क्या कंसेप्ट बनाया कि यू ऑलवेज मेजर द थीटा फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो ये आपकी कौन सी एक्सिस है, ये जितनी वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं ऐसी, ये सब कौन सी एक्सिस हैं, जेड एक्सिस। थीटा कहाँ से मेज़र करना, जेड एक्सिस से मेज़र करना। चलिए सबसे पहले पोलर प्लॉट को समझते हैं, पोलर प्लॉट में होता क्या है। पोलर प्लॉट में क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड पहला टर्म देता है, दूसरा टर्म क्या देता है, एंगल देता है, ठीक है। एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री, तो ये देखिए एंगल 0 डिग्री यहीं पे हो सकता है। मैग्नीट्यूड कितना है, 5, तो ये 2 स्टेप, 3 स्टेप, 5 स्टेप, 5 स्टेप का आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। पहले को प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बी पॉइंट प्लॉट करते हैं, एंगल कितना गिवन है, 20 डिग्री, लेकिन कहाँ से, जेड एक्सिस से। तो ये जेड एक्सिस है आपकी, यहाँ से 20 डिग्री आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है, 4, तो 1, 3, 3 के बाद 4, तो 4 का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये लाइन और ये सर्कल आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट 4 एंगल 20। चलिए अब देखिए 3 एंगल 60 को प्लॉट करते हैं। एंगल कहाँ से मेज़र करना है, जेड एक्सिस से। ये एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। मैग्नीट्यूड कितना है, 3, 3 का 3 रेडियस का एक सर्कल बना दीजिए, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, 3 एंगल 60 होगा। अब देखिए पॉइंट डी को, 2 एंगल 80, तो सबसे पहले क्या करिए, 80 डिग्री आ जाइए, कहाँ से, जेड एक्सिस से आ जाइए 80 डिग्री। मैग्नीट्यूड कितना रखिए, 2, तो 1 और 2 का सर्कल ऐसा बनाइए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इसको प्लॉट करिए, 0 एंगल 90, पहले 90 डिग्री आ जाइए, 90 डिग्री आ गए, रेडियस कितना है इसका, 0, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर होगा। इन सबका जो कॉम्बिनेशन है इनका सबका कॉम्बिनेशन यहाँ रख दीजिए, क्या आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा।
ए पॉइंट 5 एंगल 0, बी पॉइंट 4 एंगल 20 डिग्री, सी पॉइंट 60 डिग्री आया और 3 रेडियस हुआ, डी पॉइंट 80 डिग्री एंगल और रेडियस 2, ई पॉइंट 90 डिग्री एंगल रेडियस 0। इन सबको आप एक मिला देंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक कर्व मिलेगा, जो कि अब आगे चल के हम देखते हैं। अब देखिए रेडिएशन पैटर्न, तो मेरे ख्याल से ये रेडिएशन पैटर्न पोलर प्लॉट समझने के बाद ज़रूर समझ में आ जाता है। तो क्या समझ में आया कि पोलर प्लॉट इज़ नथिंग बट इट्स अ प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल, ये समझ में आया। चलिए इसको समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। 90 डिग्री चला जाऊंगा इधर तो कहाँ पहुंच जाऊंगा? वाई एक्सिस पे, मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा ई थीटा और फाई 90। बताओ, ये बताइए आप कि मैं किस प्लेन पे पहुंच गया। बेसिकली फाई 90 मतलब मैं कहाँ पहुंच गया? वाई एक्सिस, मतलब मैं किस प्लेन पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ? वाई जेड प्लेन पे। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, आप देखिए, मतलब जो भी ऑब्जर्वर है उसने ग्राफ को कहाँ पे ट्रेस किया है, कौन से प्लेन पे? वाई जेड प्लेन पे ट्रेस किया है। कैसे? फाई पहले कितने डिग्री गया? 90 डिग्री। ये देख के अपन पहचान जाते हैं कि ये किस प्लेन का प्लॉट है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप 5 एंगल 0 प्लॉट कर सकते हैं, 4 एंगल 20 प्लॉट कर सकते हैं, 3 एंगल 40 डिग्री, ये 20 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा, 1 एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे आ गए, 0 एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। इन सभी वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक बार प्लॉट करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 एंगल 0, ये एक्सिस कौन सी होगी? जेड एक्सिस। और हमेशा थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं? जेड एक्सिस से। 5 0, 5 का एक सर्कल बना दीजिए, 0 एंगल। फिर 4 एंगल 20, एंगल कितना आना है? 20 डिग्री इस तरफ आना है जेड एक्सिस से। 4, ये 5 का सर्किल है तो ऑब्वियस सी बात है 4 यहाँ कहीं पे होगा, ये वाले पॉइंट पे। अच्छा, 3 एंगल 40 डिग्री यानी बनाना है तो पहले 40 डिग्री यहाँ पे आ जाइए, ये 40 डिग्री आ गए। और ये जो सर्कल है ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। इसका रेडियस कितना है? 3 है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। 1 एंगल 60 डिग्री, ये 3 का है और ये 1 का सर्कल है, तो सबसे पहले 60 डिग्री आ जाइए और 1 का एक 60 डिग्री पहले आप आ जाइए और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये प्लॉट आप पिछला कंसेप्ट यूज़ करके आप प्लॉट कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इसमें वेरिएबल क्या था? वेरिएबल थीटा था। तो चलिए क्या इसको इस स्केल से इस स्केल पे पहुंचा सकते हैं? लीनियर स्केल पे बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, ये वेरिएबल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। वेरिएबल में क्या वेरिएबल क्या है? एंगल। एंगल क्या 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 हो रहा है? 0, 20, 40, 60, 90, 0, 20, 40, 60, 90, 120, 140, 180, 120, 140, 180 ऐसा रख दिया। 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है? 5। 20 पे मैग्नीट्यूड कितना है? 4। 40 पे मैग्नीट्यूड कितना है? 3। 60 पे 1, 90 पे 0। तो इसको इस तरीके से प्लॉट कर दिया। क्या बात समझ में आई कि पोलर से हम लीनियर स्केल पे भी जा सकते हैं, लीनियर से पोलर स्केल पे भी जा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, देखना नहीं है, इसको वैल्यूज़ को उठाना है, कॉपी पेन उठाना है और ख़ुद से प्लॉट करना है, तभी ये आपको बनेगा, अदरवाइज देख के नहीं बन सकता कभी। तो नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये वाला। चलिए इस वाले एग्ज़ाम्पल को देखने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब हम अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। तो ये बेसिकली डीबी स्केल है। ये कौन सी एक्सिस थी? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से हम क्या मेज़र करते हैं? थीटा मेज़र करते हैं। चलिए, थीटा इज इक्वल टू 0 पे कितना मिल रहा है? 0 डीबी लिख दिया। 30, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो मैं इधर जा रहा हूँ, पहले इधर जा रहे थे, अब इधर कहीं पे भी जा सकते हैं आप। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे कितना मिला? ये देख, पहले तो सर्कल समझिए। 0 डीबी सर्कल, -10 डीबी, -20, -30, डीबी से टेंशन नहीं लेना है, आगे चल के फिर से एक्सप्लेन करूँगा इसको।
जीरो माइनस टेन माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी ऐसा स्केल है। तो आप देखिए जीरो थीटा इजिकल टू जीरो पे जीरो डीबी, थीटा इजिकल टू थर्टी पे कितना है लगभग माइनस ट्वेल्व, थीटा इजिकल टू सिक्सटी डिग्री, सिक्सटी डिग्री कहाँ से जेड एक्सिस से माइनस ट्वेल्व, नाइन्टी डिग्री पे कितना है लगभग आप देखिए ये 90 डिग्री पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस ट्वेंटी और माइनस टेन के सर्कल के बीच में है। ऐसा इस तरीके से वैल्यू को निकाला। क्या इसे लीनियर स्केल में प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अभी पिछले केस में किया था। तो आप प्लॉट करने की कोशिश करना इस रेडिएशन पैटर्न को देखने के बाद। अच्छा, इस रेडिएशन पैटर्न में मैंने ई थीटा फाई इजिकल टू जीरो लिखा है। बताइए मैं कौन से प्लेन पे हूँ? फाई जीरो किस प्लेन पे होता है? एक्स जेड प्लेन पे। यानी कि ऑब्जर्वर ने ग्राफ को किस प्लेन में ट्रेस किया है, किस प्लेन में प्लॉट किया है? एक्स जेड प्लेन पे प्लॉट किया है। ये रेडिएशन पैटर्न देखिए, ऐसा रखिए पेन के अबाउट फोल्ड करिए, क्या सिमेट्रिक दिख रहा है? बिल्कुल है, सिमेट्रिक रेडिएशन पैटर्न है। तो ये रेडिएशन पैटर्न देखने के बाद क्या दिख रहा है कि ये एनर्जी एक डायरेक्शन पे ज़्यादा कर रहा है, एक डायरेक्शन पे ज़्यादा कर रहा है। तो ये कुछ डायरेक्शनल टाइप का रेडिएशन पैटर्न है। मेन लोब का डायरेक्शन किधर है? ये देखिए, ये मेन लोब, बाकी ये सब छोटे छोटे लोब्स क्या कहलाते हैं, साइड लोब्स। और मेन लोब के जस्ट अपोजिट जो लोब होता है उसको कौन सा लोब कहते हैं? बैक लोब बोलते हैं। मेन लोब यदि जीरो डिग्री डायरेक्शन पे है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे कौन सा लोब होगा? बैक लोब होगा। ये पिछले लेक्चर में बताया भी था। तो मेन लोब का डायरेक्शन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, एक टर्म और बोलते हैं साइड लोब लेवल। तो देखिए यहाँ से आप देखिए मेन लोब का लेवल कितना है? जीरो। फर्स्ट साइड लोब का लेवल यहाँ पे कितना है? लगभग माइनस ट्वेल्व। बैक लोब का लेवल लगभग कितना है? माइनस फिफ्टीन के आसपास। तो किसी ने बोला कि साइड लोब लेवल कितना है, तो आप बोल दी, आप किसके रिस्पेक्ट में बोलते हो, किसके रेफरेंस में बोलते हो? मेन लोब के लेवल के रिस्पेक्ट में बोलते हो। तो किसी ने पूछा कि साइड लोब लेवल कितना है, तो आप क्या बोलोगे? माइनस ट्वेल्व डी वी, ये साइड लोब लेवल है। किसी ने पूछा कि बैक लोब लेवल कितना है, तो बैक लोब लेवल कितना है, ये कितना है? माइनस फिफ्टीन आया है। ये देखिए 180 डिग्री पे कितना आया था? माइनस फिफ्टीन। तो आप क्या बोलेंगे आंसर कि बैक लोब का लेवल कितना है? माइनस फिफ्टीन। बताइए इसका लेवल क्या होगा इस वाले लोब का? तो कुछ नहीं, जीरो से इतना नीचे चले आइए, ये लगभग कितना होगा? 18 के आसपास होगा। तो इस तरीके से हम रेडिएशन पैटर्न को देख के बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। सिमेट्रिक रेडिएशन पैटर्न है, डायरेक्शनल नेचर टाइप का है, साइड लोब लेवल बैक लोब लेवल की बात कर लिए, रेडिएशन पैटर्न को भी प्लॉट कर लिए। रेडिएशन पैटर्न आपसे तभी बनेगा जब आप पेन कॉपी उठा के इसे एक अपने से खुद सर्कल्स बना के प्लॉट करेंगे, तब इसकी समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो प्लीज़, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ टेक योर पेन एंड पेपर एंड ट्रेस द ग्राफ एंड यू डिसाइड योर वैल्यूज। ओके, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नॉर्मलाइज रेडिएशन पैटर्न एंड सम अदर थिंग्स अबाउट द रेडिएशन पैटर्न। थैंक यू वेरी मच।